जनता से यही कहना चाहेंगे कि भाई भी अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोग देखिए एक बार, सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए। अभी किस क्लास में है? अभी 8th क्लास में। अभी 8th क्लास में है भाई, और अभी हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं। अच्छा, देखने के लिए तो अमित बोला कि तू करेगा। Hey guys, good afternoon, welcome back to Nitish Rathod's blog। और आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं समस्तीपुर की तरफ। आपने देखा होगा बाइक क्रिएशंस जिनका यूट्यूब चैनल है, अमित परिमल है उनके साथ, चंदन जो है जो थोड़े से हेल्दी बॉय है, हम लोग से काफ़ी जूनियर हैं, तो उन लोगों से आज हम लोग मिलने का प्लान बनाया है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर से, और ये बैरिया का एरिया है, ये कोलवा चौक के आसपास हम लोग हैं मौजूद, और यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग दूरी जो है वो लगभग है यहाँ से 40 किलोमीटर के रेंज में आप लेके चलिए। तो अभी दिन के लगभग 12:30 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं समस्तीपुर उनके घर की तरफ। तो चलिए फिर करते हैं बातचीत और बने रहे इस ब्लॉग में, आगे कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को और मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद अगर मिले तो आज उनसे मुलाकात हो। ये कोलवा का एरिया है, आप देख सकते हैं कि पूरा इंडिया सुधर सकता है लेकिन कोलवा का रोड जो है इसमें सुधार बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। गली वली का जो एरिया है वो थोड़ा सा सुधरा है, उधर हजरत अली वाले गली में देखें तो वहाँ पर थोड़ा उन लोगों का जो रोड है थोड़ा सा डेवलप किया है, लेकिन कोलवा गली का रोड तो सुधर जा रहा है, लेकिन मेन रोड जो है ये कोलवा का, देख सकते हैं यहाँ पे पानी किस तरीके से कीचड़ चारों तरफ, जबकि मुजफ्फरपुर के बहुत रेयर हिस्से में ही पानी देखने को मिलेगा अभी आपको, लेकिन यहाँ पे आपको पानी पक्का देखने को मिलेगा, कोई सुधार यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और हम लोग अभी लगभग आधा सफ़र जो है वो समाप्त हो चुका है और हम लोग यहाँ पे सुजावलपुर आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग मिलने वाले हैं शाहिद भाई से, कि उनके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनके ब्लॉग में हम लोग देखे थे चंदन जो है, उस अमित परिमल के देखते होंगे आप बाइक क्रिएशन में, जो आप देखते होंगे अमित परिमल और चंदन जो साथ रहते हैं, तो उनके थ्रू जो है कि शाहिद भाई के थ्रू उनको जानते हैं हम लोग। और तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और ये जगह है सुजावलपुर ढोली, NH 28 है ये शायद, NH 28 ना, हाँ NH 28 है, सुजावलपुर एरिया है। और यहाँ पे आते हैं फिर अभी शाहिद भाई, तो उनसे मिलते हैं फिर देखते हैं किस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, गांव है ये ढोली, और ढोली स्टेशन से होते हुए हम लोग उस गली से आते हुए यहाँ पे आए हैं सुजावलपुर, जहाँ से है वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर होगा भाई। और आइए आप सभी को मिलवाते हैं यहाँ पर, कैमरा थोड़ा सा उधर ले जाओ, यहाँ पर मिलाते हैं आपको, यहाँ पर है शाहिद भाई और इनके थ्रू ही हम लोग आज सुबह इनका एक वीडियो देखे थे जिसमें अमित परिमल एंड जो टीम थी उसके साथ इनका था एक ब्लॉग, तो हम इनको सुबह सुबह इंस्टाग्राम में मैसेज किए कि भाई इस तरीके से है कि मिलना था कुछ, वो लोग बहुत बड़े क्रिएटर हैं, थोड़ा सा उनसे सीखने को मिलेगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ में नए आते हैं तो आपको मोस्टली सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से वो लोग 2-4 साल से कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये है शाहिद भाई, इनके थ्रू हम लोग जा रहे हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके पक्का देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है अमित भाई का घर, फिर चलते हैं उनसे करते हैं बातें, अगर देखते हैं आज हैं कि नहीं है। और ये पिल्की पुल है जो कि अमित भाई के घर जाने के रास्ते में पड़ता है, ये लगभग मुजफ्फरपुर से लगभग इसकी दूरी लगभग 37 किलोमीटर के आसपास दिखाता है गूगल नेट पर। और ये पिल्की पुल जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप इस रूट में जब भी सर्च करेंगे तो एक बेहतरीन लैंडमार्क के तौर पे आपको दिखेगा, क्योंकि हम लोग जितनी बार भी सर्च किए हैं तो पिल्की पुल डायरेक्ट एग्जैक्ट दिखाई, और चारों तरफ से देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ पे जाते हुए काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए, काफ़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँचे हैं, और अमित परिमल इनको कौन नहीं जानता है बिहार में, आप देखे होंगे हर एक वीडियो बाइक क्रिएशन जो इनका यूट्यूब चैनल है, जो कि काफ़ी कॉमेडी से भरा हुआ चैनल है, अगर अभी तक नहीं देखें तो जाइएगा, नीचे आपको लिंक मिलेगा इनका पक्का, हालाँकि इनको लिंक डालने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन भाई का चैनल है पक्का देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मिलने के लिए, जिस तरीके से आप लोग स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन देखते हैं कि किस तरीके से लोग, जिस तरीके से कॉमेडी पर्सन है और उस तरीके से रियल लाइफ में कुछ अलग ही पर्सनालिटी है इनका, वैसे कॉलेज क्लास वाइज हम लोग इनसे बात किए बहुत सारा, तो काफ़ी 1-2 साल जूनियर है मेरे से स्टडी में, लेकिन एज एन आर्टिस्ट काफ़ी ऊपर है, और मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग आए थे और लगा नहीं कि हाँ मतलब कोई इतना बड़ा क्रिएटर है, नॉर्मली बैठा हुआ है, मतलब एक भाईचारा वाला बॉन्डिंग, और ऐसा नहीं लगा कि एक टाउन में होते हुए भी काफ़ी अलग है इंसान, पहुँचे तो बिल्कुल अच्छा लगा। आप ये नीतीश राठौर ब्लॉग्स पे ये वीडियो जाएगा, जनता से क्या कहना चाहिएगा? जनता से यही कहना चाहेंगे कि भाई भी अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोग देखिए एक बार, सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए। और हम लोग एक चैनल क्रिएट किए राठौर वाइंस करके, हम लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट किए, जो कि इन लोग से ही इंस्पायर होकर हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्योंकि भाई लोग मतलब उस लेवल पे एक जूनियर होते हुए इतने कम उम्र में उस लेवल पे चैनल को ले गए बाइक क्रिएशन को, जिसको देखते होंगे आप काफ़ी बेहतरीन लगता है हमको।
और भाई आए 2-3 घंटे इनका हम डिस्टर्ब कर दिए अभी तक, अब हमको निकलना चाहिए, शाम भी हो गया, घर भी लौटना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जिस तरीके से ब्लॉग को शुरू से देख रहे हैं कि हम लोग आ जाए थे द बाइक क्रिएशन के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे मिले हम लोग आए थे यहाँ पर, और बीइंग ए ब्लॉगर जैसे हम लोग राठौर वाइन्स चैनल को जैसे ही स्टार्ट किए हैं तो वहाँ से बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि जस्ट 1 महीने पहले हम लोग स्टार्ट किए, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का कोर्स तो लगेगा नहीं, ये बिल्कुल डिजिटल कोर्स है। और यहाँ पे जिस तरीके से प्रोजेक्शन है, फिल्म मेकिंग ही है, शॉर्ट लेवल पे आप देखें तो ये फिल्म मेकिंग है। यहाँ पे आप रील्स पे देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट है, आप देख सकते हैं कि जिस लेवल पे रील्स में आप देखते होंगे कि हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है, और ये रिपोर्टर जो आप देखते हैं, रिपोर्टर वाला जो आप ब्लॉग देखते हैं, और रील्स पे जो आप देखते हैं, यहाँ पे लिटरली भाई है यहाँ पर। आइए जनता से कुछ कहिए, हमारे मुजफ्फरपुर का जनता आपको बैरिया गोलंबर का जितना भी एरिया है, गोलंबर पे जितना भी मोहल्ला है, आदर्श ग्राम हो, याची ग्राम से लेके 3-4 जितना मोहल्ला लोग है, इतने कम उम्र में तुम्हारा भाई बहुत लंबा चौड़ा फैन फॉलोइंग है, अगर तुम वहाँ पहुँच जाओ तो तुमको फोर्स लग जाएगा। लिटरली इस लेवल बच्चा लोग पसंद करता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना प्यार देते हैं, ऐसे ही देते रहिए। अभी किस क्लास में है? अभी 8th क्लास। अभी 8th क्लास में है भाई, और अभी हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं, तो ये मेरे से लगभग सही में 8-9 साल ही छोटा होगा, और इस लेवल पे आके, जिस लेवल पे आप देखते हैं कि गाली बकता है रील्स में आके और वीडियो में आके, उस लेवल पे सामने से बिल्कुल नहीं है। कैसा है दोनों कैरेक्टर को कैसे निभाता है, जैसे रियल लाइफ में इतना शांत है और जैसे ही रील्स में आता है एकदम गाली वाली देते हुए फराटे पूरे, और अरे रिपोर्टर के बाद जो गाली जो देता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मतलब करता है कि खुद ब खुद आने लगता है अंदर से ही। वहाँ बताते हैं गाली, वहाँ बताने के लिए स्क्रिप्ट रहता है, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से गाली देना रहता है। रील्स में भी गाली का स्क्रिप्ट रहता है क्या? काफ़ी अच्छा लगा भाई, हम लोग मुजफ्फरपुर से आ जाते हैं, पहली बार किसी क्रिएटर से मिलने पहुँचे हैं, और आप देखे होंगे इन लोग का जो बाइक क्रिएशन पे जब आप देखे होंगे तो यहाँ पे रोशन भाई भी हैं इनका, जिनका शादी हुआ था, दोस्त बना दूल्हा वीडियो देखे होंगे बाइक क्रिएशन पे, तो रोशन भाई है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका राठौर वाइन्स में और नितीश राठौर ब्लॉग्स पे भी। ये राठौर वाइन्स पे आपका, तो राठौर वाइन्स पे हम लोग का कॉमेडी चैनल है, और आप लोग से इंस्पायर होकर हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट किए हैं, वीडियो आपका भी देखे हैं, आप देखें हम लोग का वीडियो, हम लोग इंस्पायर होकर स्टार्ट किए हैं, और बिल्कुल बेसिक है, एकदम फर्स्ट वीडियो ही आप देखे हैं उसको, तो आप लोग इस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं। लिटरली आपको लगता होगा कि अभी आप लोग गांव में हैं, यहां पे बैठ के इस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, तो आप बात करने पे लोग बहुत बताते हैं कि अरे हम लोग कुछ नहीं है भाई क्या किए हैं, लेकिन लिटरली आप लोग इतना कुछ कर चुके हैं कि अगर आप किसी मुजफ्फरपुर टाउन के एरिया में खड़े हो जाइएगा तो वहाँ पे लोग देखने के लिए भीड़ लगा देगा। लिटरली आप लोग का फैन है, शादी हो गया है इनका, उस वीडियो में आप देखे थे दोस्त बना दूल्हा में, काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग था। क्या एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरीके से रियल लाइफ में, जैसे आपका सीनारियो है और जैसे जिस तरीके से स्क्रीन पे आते हैं, कितना डिफरेंट होता है हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना? पैथ की जो कैरेक्टर रहता है जो रियल लाइफ है वो तो पूरा अंतर हो जाता है, हम तो रहने तो बहुत ही शर्मिला है। हाँ, रियल लाइफ में इनका हर एक आर्टिस्ट मतलब जिस लेवल पे है आप स्क्रीन पे देखते हैं उस लेवल पे लोग यहाँ पे हैं नहीं, मतलब रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हम्बल है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाउन टू अर्थ एंड बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, लेकिन आप चैनल पे जिस तरीके से देखते हैं वहाँ पे अलग लेवल है, वहाँ कभी कभी एग्रेसिव भी रहते हैं, चंदन का हर समय एग्रेसिव ही रहता है, किसी के प्रति एग्रेसिव रहता है तो लगता है कि नॉर्मल में एग्रेसिव होगा, लेकिन देखिए कितना शांत बैठा रहता है, इस तरह सबका है, हमारा भी तरीके से चीज़ को चेंज हुआ था, एक्शन हुआ, आदमी चेंज। और अभी आपको मिलवाने वाले हैं बाइक क्रिएशन का जो जड़ है उनसे, जो अमित परिमल जिनको आप बाइक क्रिएशन पे जानते हैं उनके बड़े भैया हैं जो अभी बाहर हैं वो आते हैं तो उनसे आपको मिलवाते हैं, उस चैनल के जड़ है जो उस चीज़ का जो होता है ना कि पेड़ के नीचे सारा काम हो रहा है, पेड़ खड़ा है, तो जितना भी जब चैनल शुरुआत जब हुआ होगा तो हर एक चीज़ घर से भी डंडा पड़ता है, सबको पड़ता है, तो जितना भी डंडा आप लोग के लिए सहें वही सहें। हाँ वही, मतलब कि जब शुरू हुआ था तो हम लोग उतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं क्या चैनल बनता है, उनके पास था तो वही बोले थे कि नहीं कि यूट्यूब से बनाएगा ना वीडियो तो वहाँ से इनकम भी होता है, हम लोग को मालूम था यूट्यूब क्या पता नहीं, तो वहाँ से वो बोले तो हम लोग धीरे धीरे शुरू किए, पहले हम अमित शुरुआत किए इसका, पहले हम ही अमित वीडियो बनाते थे, कोई नहीं मतलब ये सब तो गाँव में रहता, हम लोग सिटी में रहते थे। अच्छा, आए तो ये उसमें वो छोटा भी था, तो लॉकडाउन हुआ था हम लोग यहाँ आ गए, टिकटॉक शूट कर रहे थे तो यहाँ वो खड़ा था देखने के लिए, तो अमित बोला कि तू करेगा, तो ये बोला कि ठीक करके देखते हैं, इसको हम बोलते थे कि हम बोलते कि नहीं करेगा, हमें पता कर लेगा, हम करवा के देखते हैं ये क्या, इसका वीडियो है ना उसमें टिकटॉक पे 10 मिलियन व्यूज लाया था। अच्छा, जो उसके बाद में कंटिन्यू आज बाइक क्रिएशन में है, बाइक क्रिएशन में मतलब एक भी मेंबर से जितना भी मिले लिटरली इस तरीके से इंटरव्यू, हमको लगता नहीं कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉग वाले को इतना मौका मिला है, आज इन लोगों का दिन हम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लिए हैं, लेकिन भाई लोग जिस तरीके से सपोर्ट किए यहाँ पे आने का, बींग ए ब्लॉगर मतलब इन लोग से मिलना, और अभी आपको बाइक क्रिएशन के जड़ है उनसे मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना भी आर्टिस्ट को आप देखते हैं कि पेड़ के नीचे जो शूटिंग आप देख रहे हैं पूरे आर्टिस्ट लोग हैं वहाँ पे, लेकिन जो इस जिस चीज़ की जिस इंसान के कारण सब कुछ चल रहा है उनसे आपको मिलवाते हैं। जिस तरीके से आप चैनल देखते हैं राठौर वाइन्स, जितना भी आप मेरा चैनल देखते होंगे तो वहाँ पे एक चेहरा आपको कभी नहीं दिखता है, वो है सिर्फ लिखा हुआ आता है अभिषेक राठौर प्रोडक्शंस,
लेकिन वो प्रोडक्शन हाउस कहाँ है वो दिखता नहीं आपको कभी भैया, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखते। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है बाइक क्रिएशन में, अंशु भैया कभी दिखते नहीं है वीडियो में, लेकिन ये हर एक चीज़ चलाने वाले ही हैं। बाइक क्रिएशन के फाउंडर हैं अमित परिमल, जिनको आप पूरा बिहार जानता है, उनके बड़े भाई हैं और ये हर एक चीज़ को यही हैंडल करते हैं। क्या कहना चाहिएगा भैया? क्या कहना चाहेंगे इसमें, मतलब कि आदमी मेरा उतना रोल नहीं है, ऑफ द स्क्रीन चलाते हैं लेकिन एज ए ऑडियंस अमित भाई को ही जानता है। ये तो है, जितना स्क्रीन शेयर होता है, मेन बात है कि पब्लिक जो भी है वो इंटरेक्ट स्क्रीन से ही करता है, स्क्रीन पे जो आर्टिस्ट हमसे करता है, लेकिन किसी भी चीज़ के चलाने के पीछे जो पिछला हिस्सा जो होता है, जो बैकग्राउंड है, वो ये संभाल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों का, हम लोग आज यहाँ पे आए और एक्सपेक्टेड नहीं था कि मिल पाएंगे इस पूरी टीम से। और सबसे फेवरेट आर्टिस्ट जो सबसे जूनियर है यहाँ पे इनके टीम में, चंदन जो जितना छोटा है आप देखते होंगे उसको, और एक एक आर्टिस्ट से मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज लक अच्छा था मिले, पूरी टीम से मिलने का मौका मिला। चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, इनकेस अगर आपको कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।